अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सबका रेडियो चनार 90.4 एफएम में। मैं हूँ आरजे दीबा और आप इस टाइम मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं रेडियो चनार के डिजिटल हैंडल्स पर। और यहाँ पर अभी मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान जो कि काफ़ी यंग है, टैलेंटेड है और छोटी एज में इन्होंने वाकई एक बहुत ही बड़ा काम किया है। सोफिया हिलाल है अभी मेरे साथ यहाँ पर, जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट है और आई है एप्पल टाउन सोपोर से। सोफिया पहले आपका वेलकम है रेडियो चनार। थैंक यू मैम। ओके सोफिया, आप एक मार्शल आर्टिस्ट है, क्या सोचकर डिसाइड किया कि मार्शल आर्टिस्ट बनना है? आई मीन किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया? जी मैम, जब मैं छोटी थी तब मेरे दो भाई थे, उन दोनों की डेथ हो गई, तो तब से मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी बहनों की सेल्फ डिफेंस खुद करूँ। बचपन से मुझे शौक था कि मतलब कोई ऐसी गेम हो जिसमें मैं फाइटिंग कर सकूँ। वाओ, बट ये जो आपने बात की कि सेल्फ डिफेंस कर सकूँ अपनी बहनों की, तो आप क्यों नहीं उनको तैयार कर रहे, आप क्यों नहीं उनको ऐसा कुछ सिखा रहे ताकि वो खुद अपनी डिफेंस कर सके? जी, जो मेरी बड़ी बहन है वो पढ़ती है 11th में, वो बड़ी है, वो नहीं मानती है इसमें आना, तो चाहती है मैं पढ़ूँ। ओके ठीक। तो सोफिया, अगर हम बात करें मार्शल आर्ट की, तो जब एक स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, मुश्किल का सामना करना पड़ता है, तो क्या कुछ प्रॉब्लम्स आती है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी मैम, जब मैंने स्टार्ट किया तो मम्मा पापा ने बोला कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें बोल रहे हैं कि लड़की है क्यों डाला इसको स्पोर्ट्स में। मम्मा पापा ने किसी की नहीं सुनी और मुझे स्पोर्ट्स में डाला और सपोर्ट करते हैं। वाह, तो अगर हम बात करें आपकी एज ए मेडलिस्ट, क्या आप कैसे अपना दिन आप स्टार्ट करते हैं? जब मैं मैम सुबह 5 बजे उठती हूँ, मेरे रूम में पंचिंग बैग है, उसमें मैं 8 बजे तक प्रैक्टिस करती हूँ और फिर 8 बजे मैं सुबह ट्यूशन जाती हूँ, उधर से आके मैं 12 बजे आती हूँ और फिर एकेडमी जाती हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत ही अच्छी बात है। तो सोफिया, इस फील्ड में आपकी क्या अचीवमेंट रही है? 14 गोल्ड मेडल्स मैंने लाए। 14 गोल्ड मेडल्स में आपका ऐसा कौन सा टाइम था जो कि ऐसा कौन सा मेडल था जो आपके दिल के काफ़ी करीब था, वो टाइम जब आपने बोला नहीं यहाँ पर तो है मुझे करना था और आपने वो अचीव कर लिया? जनवरी में मेरा एक टूर्नामेंट हुआ था जो कि महाराष्ट्र में हुआ था। 13-16 जनवरी को हुआ था महाराष्ट्र में पंचिंग स्लॉट का, वहाँ पे मैंने 3 फाइट्स खेली और मैंने वहाँ पे गोल्ड लाया। वाओ, तो फैमिली की तरफ से कैसा सपोर्ट रहा? फैमिली मुझे की तरफ से? जी, मम्मा पापा मुझे बचपन से सपोर्ट करते आ रहे हैं, अगर आपको इसमें मतलब जाने के लिए इंटरेस्ट है तो आप जाओ, आप करो इसमें। ओके, तो आगे क्या करना चाहते हैं आप, आगे फ्यूचर में क्या कुछ? मुझे IAS बनने का शौक। IAS ऑफिसर बनना है, तो IAS ऑफिसर बन के आपने क्या करना है? मुझे जैसे DC बारामूला करती है स्पोर्ट्स वालों की मदद, वैसी मैं भी करना चाहती हूँ, हर एक स्पोर्ट्स पर्सन की मैं मदद करना चाहती हूँ। ओके, तो स्पोर्ट्स के फील्ड को आप बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगी और स्पेशली गर्ल्स के लिए, जैसे आपने बताया कि जब आपने स्टार्ट किया था तो आपकी फैमिली को बोला गया कि लड़की है क्यों भेज रहे हो इनको वहाँ पे, तो क्या कहना चाहोगे आप? खासकर मैं पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ, अगर आपको कोई भी कुछ भी कहे मत सुनो किसी की, लड़की को स्पोर्ट्स में डालो। लड़की के लिए मतलब अगर मैं मार्शल आर्ट की बात करूँ तो ये लड़की के लिए सेल्फ डिफेंस है, लड़की अपनी डिफेंस खुद कर सकती है। बिल्कुल। ओके सोफिया, यहाँ पर आप आए कैसा लगा आके? बहुत अच्छा लगा ना यहाँ पर आके, बहुत ही अच्छा हमें भी लगा आप यहाँ पर आए, इतनी प्यारी प्यारी बातें की हमारे साथ। तो ये थी सोफिया जो कि आई थी एप्पल टाउन सोपोर से, एक मार्शल आर्टिस्ट है। अगली बार हम फिर आपसे यहाँ पर मिलेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, तब तक आप रखिए अपना ख्याल और हाँ सुनते रहिए रेडियो चनार 90.4 FM। ये है हर दिल की धड़कन।